क्या आप जानते हैं कि अब दूध से काम नहीं चलेगा? अगर आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं और आप इस कमजोर हड्डियों को डाइट के द्वारा ठीक करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी चार चीजें हैं? तो आज वो चार चीजें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ दिव्या शर्मा धवन और आज आपको ऐसी ही चार चीजें बताने जा रही हूँ जो दूध से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल है और हड्डियों को मजबूत करती है। आज कम उम्र में ही जोड़ों में दर्द, छोटी छोटी उंगलियों में, हाथों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने लग गया है। हमारी बोन डेंसिटी कम हो चुकी है और हड्डियों को मजबूत करने के लिए लगातार हम दूध पी जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसी चार चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को जल्दी से पूरा कर दे। अनहेल्दी खानपान का सबसे बुरा असर हमारी मांसपेशियों और हमारी हड्डियों पर पड़ रहा है जो हम रेगुलर इनटेक कर रहे हैं। इसका एक बड़ा असर जो हमारी बॉडी पर हो रहा है, कैल्शियम की कमी। शरीर का ढांचा बिगड़ चुका है, हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी हड्डियां समय से पहले कमजोर होती जा रही हैं। दूध के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा कर देती हैं, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, सोयाबीन। शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए सोयाबीन को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत अच्छा है। 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 277 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत फायदेमंद है। रोजाना इसे आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आपकी भी हड्डियों में लगातार दर्द रहता है, अगर आपको भी लगातार जोड़ों में और घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज आती है ड्राई फ्रूट, यानी कि बादाम, अखरोट, जिसे हम सूखे मेवे कहते हैं। इनके अंदर काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है। आप खास तौर पर दो ड्राई फ्रूट जरूर शामिल करें, वो है अखरोट और बादाम। ये पोषक तत्वों का खजाना है, हड्डियों को मजबूत करता है। सिर्फ दूध पीकर आप अपनी हड्डियों को मजबूत नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो अब आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होती। बात करते हैं तीसरी चीज की, वो है पनीर। 100 ग्राम पनीर के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी काफी अच्छी है। इसमें 480 मिलीग्राम के करीब हमें कैल्शियम मिल जाता है। ऐसे में आपके शरीर की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। आप अपनी डेली ब्रेकफास्ट के अंदर पनीर खाना बिल्कुल ना भूलें। जिनको भी दूध से एलर्जी है या दूध पीना नहीं चाहते या फिर दूध पीकर थक चुके हैं और आप अपनी हड्डियों को मजबूत नहीं कर पाए। लास्ट और बहुत दमदार चीज है, वो है दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां और स्पेशली उसके अंदर आता है पालक, बथुआ और मेथी। इसके अंदर कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में होता है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है और जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है। ये चारों की चारों चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि दिन में चारों चीजें ही शामिल करें, इनमें से कोई भी एक चीज रोजाना जरूर शामिल करें ताकि हड्डियां मजबूत बने, आपकी बोन डेंसिटी स्ट्रांग हो जाए। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।